हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सितंबर और अक्टूबर में कौन कौन से प्लांट्स अपने घर के लिए ला सकते हैं, नर्सरी से लाकर उनको लगा सकते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग पा सकते हैं? उसमें सबसे नंबर वन पर है ये ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है और इसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर जो ये प्लांट है, ये है मिनी चांदनी का प्लांट। इसको भी आप सितंबर में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इस पर अच्छे से फ्लावरिंग पा सकते हैं। बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा ये। नेक्स्ट जो प्लांट है थर्ड नंबर पर, ये है विनका। विनका में भी बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं। मेरे पास ये एक ही कलर है और एक रेड कलर है, एक वाइट है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है रोज़। रोज़ समर सीज़न में थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, बट जैसे नेक्स्ट जो प्लांट है वो है एक्सोरा। एक्सोरा भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहता है सितंबर मंथ में लाने के लिए, क्योंकि इसमें इस टाइम में काफ़ी अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। देखिए, मेरे पास जो प्लांट है इसमें बर्ड्स भी आई हुई हैं और न्यू बर्ड्स भी बन रही हैं। हालांकि कभी काफ़ी छोटा प्लांट है, बट आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इस लिस्ट में नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसको जो फर्टिलाइज़र है वो भी इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, जिससे कि अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए। तो सितंबर मंथ में आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देखिए, इस पर बर्ड्स आने स्टार्ट हो गई हैं और ये विंटर में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। समर में ये थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है, कम फ्लावरिंग करता है, बट जैसे ही विंटर सीज़न आने लगता है ये अच्छे से फ्लावरिंग कर लेने लगता है। इस लिस्ट में आगे जो प्लांट है, नेक्स्ट प्लांट है क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम में बहुत सारी 1000+ कलर्स आते हैं। इसमें वैरायटीज़ भी 100+ वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं और इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और विंटर सीज़न में भर भर के इसे फ्लावरिंग ले सकते हैं और ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। नेक्स्ट प्लांट है कोलियस। हालांकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, बट इसकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी सुंदर लगती हैं और इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो इसको भी आप सितंबर मंथ में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो बस यही थे कुछ प्लांट्स जिनको आप नर्सरी से ला सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है इनको ऐड करने के लिए।